नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं टॉयलेट सीट अगर जाम हो जाता है यानी चौकअप कर जाता है तो उसको कैसे क्लीन करें, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। और सीट कैसे फिट होगा ये भी उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट सीट रखा हुआ है, इंडियन सीट है, और यहाँ पर साइफन हम मंगाए हुए हैं। तो आज इसको फिट करेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा टॉयलेट वाला एरिया है, इसमें बाथरूम नहीं है, सिर्फ इसमें टॉयलेट वाला एरिया है। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा तोड़ कर निकाला गया है इसमें का कचरा। जो दिक्कत इसमें यह था कि आपका जो इसमें जो सीट लगा हुआ था वो चौकअप कर जा रहा था। एक आदमी आ रहा था, उसके बाद कितना ही पानी मारने के बाद पानी पास नहीं कर रहा था, पूरा जाम हो जा रहा था, सीट भर जा रहा था। तो ये तोड़ कर क्लियर हटा दिया गया है। ये चौकअप कर जाता है, ये आपका साइफन जो लगा हुआ है, ये साइफन इधर अंदर में जाम है, तो इस साइफन को चेंज कर दे किया जाएगा और दूसरा इसमें साइफन लगाकर इसमें सीट को फिट किया जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे पुराना वाला फ्लश लगा हुआ है, इसमें पुराना वाला सीट लगा हुआ था जो हटा दिया गया है, उसी पर अभी टांगा हुई हुआ है। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सीमेंट से जाम किया गया था मसाले से, उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे पाइप को जो पी ट्रेप लगा हुआ है साइफन, उसके पोर पे काटा जा रहा है, यहाँ से सॉकेट से ज्वाइन किया जाएगा। और उसमें देखा जा रहा है कि साइफन कैसे जाम था, जो एक आदमी के जाने के बाद दूसरा आदमी नहीं जा पा रहा था टॉयलेट में। तो देख सकते हैं ये पुराना वाला जो हम पी ट्रेप निकाले हैं, देखिए इस कितना जाम था। ये आप कितना हो इसमें आप तेजाब डालते चाहे कोई भी केमिकल डालते तो आपका ये क्लियर नहीं होता। देखिए साफ मात्र में आधा इंची का इसमें होल ही बचा हुआ है, ये बिल्कुल जाम हो चुका था, इसीलिए हमने पी ट्रेप को चेंज कर दिए हुए हैं। तो ऐसे में जाम हो जाने से आपको उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोलवेंट सॉकेट में बराबर आपको लगाना है और साइफन का कोर पर भी आपको सोलवेंट लगाना है। उसके बाद आपको बबल लेवल रखकर पी ट्रेप को आपको लेवल कर लेना है। पी ट्रेप अगर लेवल में नहीं रहेगा, उसमें पानी अगर थोड़ा सा भी अगर कम रहेगा तो आपका गंद आने लगेगा। इस पर आपको ध्यान रखना है कि गंद आना नहीं चाहिए, लेवल में आपको होना चाहिए। और यहाँ पे मसाला भी तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि गंद क्यों आता है, टॉयलेट में गंद क्यों आता है, इसके बारे में फिर आपको बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं कोर, पानी आपको कभी भी यहाँ तक रहना चाहिए, यहाँ से इस कोर तक पानी आपको एनी टाइम रखना चाहिए। अगर पानी अगर यहाँ तक रहता है और ये होल आपको दिखाई देगा तो गंद इधर से आता है, यानी स्मेल इधर से आपको निकलने लगेगा। अब पानी जब तक इतना तक पानी आपका रहेगा तो आपका स्मेल इसमें नहीं आएगा। तो ये फिट करते समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इसको आपको ढाल में नहीं बनाना है। ये जो साइफन आप फिट करेंगे इसको ढाल नहीं बनाना है, इसी की तरफ ढाल नहीं बनाना है, इसको एक लेवल में फिट करना है। इधर से लेवल होना चाहिए, इधर से लेवल होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि लेवल करते समय पानी यहाँ तक ज़रूर रहे। हम अभी आपको बता रहे हैं इसमें पानी डालकर कि पानी हमारा कहाँ तक है। डाले
अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा पानी कहाँ तक है, पानी इस कोर तक है, ये जो कोर आपका है यहाँ तक पानी आपको रहना चाहिए। पानी अगर यहाँ तक आपका रहता है नीचे वाले कोर तक तो आपका स्मेल देगा। इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि ये जब भी फिट करें तो लेवल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए हम सीट को पहले जोराई करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सीट रखने के लिए जोराई शुरू हो चुका है। हमने सीट जब भी फिट करते हैं तो इसी तरह जोराई करके फिट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लिप रिंग है, इसे साइफन रिंग भी कहा जाता है। तो इसमें हमने एक बराबर सोलमेंट लगा दिए हैं। अब इसको यहाँ पे पी ट्रेप जो लगा हुआ है वहाँ पे इसको फिट किया जाएगा। फिर उसके ऊपर साइड में कोर पे सोलवेंट लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर से सीट को फिट किया जाएगा। दोस्तों साइड से ही मसाला से इसको बिल्कुल तरह अच्छी तरह से जाम किया जा रहा है। अब इसे देख रहे हैं इस साइड इसे जाम हो चुका है, उसी तरह इस साइड भी जाम किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये सीट बिल्कुल तरह फिट हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फ्लश हो गया यानी सिस्टर्न हो गया। इसको अभी ही फिट किया जाएगा एक साथ में, जो अभी हमने सीट फिट किए हुए हैं इसी में पुराना वाला को हटा दिए हैं और ये नया वाला को यहाँ पे फिट किया जा रहा है। अब देख सकते हैं फ्लश टांगने के लिए फ्लश लॉक को यहाँ इसमें फिट कर दिया गया है। अब चलिए फ्लश को फिट किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं बेंड में जो जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा हाइट हो जा रहा था तो इस पर लॉक नहीं कसा पाएगा, तो इसीलिए हमने काट कर थोड़ा सा इसको बेंड को डाउन किए हुए हैं जिसपे फ्लश हमारा फिट हो जाएगा। दोस्तों ऊपर बराबर लॉक में बैठ चुका है, अब नीचे वाले पोर्शन से टाइट किया जाएगा उसको। कनेक्शन पाइप से कनेक्ट किया जा रहा है, अब उसमें पानी को ऑन किया जाएगा। पानी मेरा ऑन चुका है हो चुका है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे हमारे नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा दोस्तों देखिए हमने फ्लश को फिट कर चुके हैं और ऑन करते हैं फ्लश को। फ्लश को ऑन कीजिए, देखिए हमने फ्लश को ऑन कर दिए।